शास्त्री जी यहाँ पधार चुकी हैं, आप सभी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियों से बहन शास्त्री स्वराज जी का स्वागत कर दे। नया जी दार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में आप घरों से बाहर निकल कर आए हैं। मैं निवेदन कर माताएं बहने सब स्वागत कर रही हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी लोग आ जाएं, आप रखेंगे जोरदार तालियों से बांसुरी स्वराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब बाहर आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। आपकी यहाँ उपस्थिति से दिख गया कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में, उनकी लोकप्रियता में, उनके विकसित भारत के विजन में आपका अगाध विश्वास है। और वो भी क्यों ना, नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। नरेंद्र मोदी वो नेता है, कैसे लगता जी, नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने भारत की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को केवल एक दशक में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वैश्विक पटल पर बना लिया। नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने गारंटी दी है कि अपने तीसरे कार्यकाल में वो भारत की इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना देंगे। नरेंद्र मोदी वो नेता है जिन्होंने ये सौगंध खाई है कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा ही। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड बनाया है। मेरी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अरे भाई, ये 440 वोल्ट की स्माइल देखकर ही तो प्रत्याशी की थकान थकती है, ये बड़ी ना बात। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने देश की बेटियों की सुध लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ये साबित कर दिया कि भारत पर भारत की बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के बेटों का। उम्मीद है जो 500 साल बाद हमारे राम लला ने भव्य राम मंदिर में बिताई है, स्थापित होकर प्राण प्रतिष्ठा होकर जो कहा सो किया। एक तरफ विरासत और उसके साथ विकास। विरासत महाकाल का कॉरिडोर डेवलप करा, काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा, और विकास चंद्रयान 3 से भारत पहला देश बना पूरे विश्व में जिसने जाके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाके तिरंगा लहराया है। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने जब पूरी दुनिया जंग में जल रही थी तो G20 की अध्यक्षता में भारत ने पूरे विश्व को सिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन हाँ, जब पड़ोसी मुल्क ने हमारे ऊपर आंख उठाकर देखा तो उनके घर में घुसकर जाकर मारने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी ने ठानी है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और इसीलिए 24/7 और 2047 भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का संकल्प पत्र है, परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगले 5 सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को टेक्नोलॉजी का हब, इनोवेशन का हब, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, भारत को सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना है। और मैं जानती हूं कि आप मेरा साथ देंगे एक विकसित भारत बनाने में, एक सशक्त भारत बनाने में। और इसीलिए 25 मई कौन सी तारीख, कौन सी तारीख सुनाई नहीं दिया, 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर कृपया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक तीसरी बार जरूर चुनिए। अब मैं एक व्यक्तिगत अपील करती हूं, लेकिन अपील करने से पहले कुछ वचन आपके चरणों में अर्पित करती हूं।
यदि जिता कर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में आपके बीच में मौजूद रहकर आप सबकी सुख दुख की साथिन बनकर आपके प्रत्येक समस्या के निवारण और निदान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं वचन देती हूं कि जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं है, बल्कि यहां उपस्थित प्रत्येक मोदी के परिवार के परिजन की आवाज है। और हां, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं मैं। अरे आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने दूंगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप सभी ने समय निकाल कर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वकीलों लोगों की नाक में दम करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आई, दीदी आई, ये माइक वाला।